बसमिल नाजरीन असल आप देख रहे हैं टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाजरीन जहाँ पे मुल्क की एजेंसियाँ अच्छे काम कर रही हैं वहीं पे इन जो तहकीकती एजेंसी होती हैं यहाँ पे कुछ ऐसे तफ्तीशी बैठे हैं कि जो कोई भी बात उगलवाने के लिए तशद का निशाना मुलजम को बनाते हैं अब लगता इस तरह है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफ भी अब पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है आपको मालूम है कि एफ़ आई ए साइबर क्राइमिंग जहाँ पर अच्छे इकदाम कर रहे हैं जहाँ पर जो नाजेबा तस्वीर या जो बच्चे होते हैं उनकी तस्वीर और इस तरह का मवाद शेयर करने वालों को गिरफ़्तार करें वहीं पर कुछ तफ्तीशी अफसरान ऐसे हैं कि जो गैर तरबियत याफ्तः होते हैं और कुछ तफ्तीशी अफसरान ऐसे हैं कि जिनको पैसे ना मिले तो वो मुलजमान पर बेपनाह तशद भी करते हैं और कुछ तफ्तीशी ऑफिसर ऐसे भी हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो रिश्वत नहीं लेते और मुलजिम को मोटरसाइकिल पे अडयाला जेल छोड़ने के लिए भी जाते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे एफ आई ए साइबर क्राइम सेल की आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम सेल के जो एस एच ओ है मियाँ इरफान उनकी आज हम बात करेंगे कि एफ आई ए साइबर क्राइम सेल में दो मुलजमान जिनमें एक गैर मुल्की था और एक पाकिस्तानी था उनको तशद्द का निशाना बनाया गया है यह मैं नहीं कहता ये सेंट्रल जेल अड्याला की मेडिकल रिपोर्ट कहती है यह मैं नहीं कहता सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानब से सीनियर सिविल जज को लिखा जाने वाला एक खत उसमें में इंकशाफ हुआ है बात कुछ इस तरह से है कि एफ आई ए साइबर क्राइम सेल ने एक तीन गैर मुल्की गिरफ़्तार किए थे तीनों नाइजेरियन थे अच्छा इस पर आपको एक बात यह भी बताएं कि इस स्टोरी के ऊपर जब मैंने साइबर क्राइम विंग के एस एच ओ मियाँ इरफान से मौक़ लिया तो उन्होंने पहले ये कहा जी नाइजेरियन काले होते हैं और उनको अगर हम एक थप्पड़ मारें तो उनकी चमड़ी और काली हो जाती है फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आए किया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल यानी कि जो जेल का अमला है जहाँ पर हम हवालाती छोड़ने के लिए जाते हैं जेल का अमला रिश्वत मांगता है या उनका कोई ज़ाती मफाद है जिस वजह से उन्होंने इन मुल्जमान का मेडिकल किया है उन्होंने कहा मियाँ इरफान ने कि जिस तरह वो कुछ भी लिख के भेज सकते हैं इस तरह मैं भी एक तफतीशी हूँ कुछ भी लिख के भेज सकता हूँ खैर मियाँ इरफान ने तशद के हवाले से कहा जी ये तमाम बेबुनियाद हैं सरासर झूठ है हमने कोई तशद नहीं किया लेकिन जो नाइजेरियन है वो एक मुकदमा नंबर पैंतीस था उसमें गिरफ्तार था और एक पाकिस्तानी नौजवान मुबीन अली जो एक्टाबाद का रहायशी है वो मुकदमा नंबर सैंतीस में गिरफ़्तार था इन दोनों का आठ फरवरी को यानी कि आज से एक हफ्ता कबल आठ फरवरी को इनको जुडिशल रिमांड पर अडेला जेल सीनियर सिविल जज की अदालत भेजती है और मोहम्मद कामरान जो इंचार्ज होता है पुलिस इंचार्ज इन वो इनको ले कर जब सेंट्रल जेल अड्याला जाता है तो जब भी कोई हवालाती नया नया सेंट्रल जेल अड्याला जाता है तो वहाँ पे एक मुलाजा होता है उस मुलाहजे के बाद फिर मेडिकल भी होता है लेकिन जो दो मुलम थे जिनमें मोहम्मद मोबीन और एक जो गैर मुल्की नाइजेरिया चिनडू इस तरह का उसका नाम है उसके ऊपर जेल अमले ने यह कहा जी कि इनके जिसम के ऊपर तशद के निशानात हैं और इनको तशद का निशाना बनाया गया इन मुल्जमान ने जेल अमले को यह बताया कि जब हम रिमांड के ऊपर थे तो एफ आई ए के तफ्तीशी अफसरान ने हमें तशद्द का निशाना बनाया था यहाँ पर आपको यह भी बात बता दें कि एक मुक़दमा नंबर सैंतीस और मुकदमा नंबर पैंतीस इनकी तफ्तीश एक बाबर अली कोई सब इंस्पेक्टर हैं और एक मियाँ इरफान जो एस एच ओ भी हैं सब इंस्पेक्टर हैं वो इनकी तफ्तीश कर रहे थे खैर वो जब इस हवाले से मैंने मियाँ इरफान से मौक़ लिया मैंने कहा जनाब कि ये इल्ज़ाम है आप पे तो उन्होंने जो बात की वो काली चमड़ी वाली क्योंकि वो ज़ाहरी बात है मियाँ इरफान अपने आप को बहुत महान समझते हैं अब वो अगर ख़ुद रब ने उनको हुसन दिया है तो अब वो नाइजीरियन को काली चमड़ी कहते हैं इस तरह तो हज़रत बिलाल हबशी भी थे लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को खैर अब अभी तक देखते हैं कि क्या सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद के जो हैं वो क्या इन तफ्तीशी अफसरान के हवाले से डी जी एफ आई ए को कुछ लिख कर भेजेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए क्योंकि पुलिस तो ये कहती है बल्कि जितने भी इदारे हैं वो ये कहते हैं कि नफ़रत जुर्म से है इंसान से नहीं लेकिन एफ आई ए वाले ये कहते हैं कि नफ़रत इंसान से है जुर्म से नहीं जहाँ पर जिस मैंने आपको बताया कि एफ आई ए अगर अच्छे काम करती है तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं कुछ है, ऐसी काली भेड़ें भी हैं कि जो रिश्वत के लिए या तरह तरह के जो वो से क्या कहते हैं तफ्तीश के लिए तशद का निशाना भी लोगों को बनाते हैं अब ये देखते हैं कि एफ आई ए डी जी को क्या लेटर लिखा जाता है क्या इन तफ्तीशी अफसरान एस एच ओ ने अपना मौक़ दिया वो भी एक मुकदमे के तफ्तीशी थी और बाबर अली इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है यानी अब आइंदा समाज पर जब ये मुलजमान पेश होंगे तो उस दौरान जो भी हुआ जो भी बात हुई आपको बताएँगे अगले प्रोग्राम तज़मान ताहिर न को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़